अमेरिका की दादागिरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ईरान को लेकर अमेरिका ने अब भारत और चीन को धमकी दी है। अमेरिका ने भारत समेत दूसरे देशों को आगाह किया है कि उन्हें ईरान से 4 नवंबर के बाद तेल का आयात बंद करना होगा, वरना अमेरिका के प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की यह धमकी भारत और चीन के लिए इसलिए अहम है क्योंकि भारत और चीन ईरानी तेल के बड़े आयातक देश हैं। भारत ईरान के क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, वहीं चीन तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश। बता दें, इस साल मई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से हटने का ऐलान किया था। इसके तुरंत बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था, भारत सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मानता है, न कि किसी देश के प्रतिबंधों को। इसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि अगर भारत ने ईरान के साथ सौदा जारी रखा तो इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि भारत समेत ईरान से तेल आयात करने वाले तमाम देशों पर दबाव डालकर अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाया है उनमें से कुछ 6 अगस्त से लागू हो रहे हैं, जबकि तेल से जुड़े प्रतिबंध 4 नवंबर से लागू होंगे। इसीलिए अमेरिका भारत समेत बाकी देशों को ये धमकी दे रहा है कि वो 4 नवंबर के बाद ईरान से तेल न खरीदें।